नगर निगम लगातार कूड़े के निस्तारण को लेकर के एक से एक कदम उठा रहा है। कई कड़े सख्त नियम बनाए जा चुके हैं। इन सब के बावजूद जो लखनऊ के वासी हैं, जो इलाकों में लोग रहते हैं, वही नगर निगम के सभी नियमों को और सभी उसकी योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। जी हाँ, लखनऊ शहर को जितना ही साफ और नीट एंड क्लीन बनाने के लिए नगर निगम की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब पे पलीता लगा रहे हैं, यानी उन सब पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं यहीं के वासी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की। जी हाँ, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो योजना है बेहद शानदार है, क्योंकि इसमें नगर निगम की गाड़ी आती है डेली और आपके घर का बेल बजाती है और आपके घर से कूड़ा लेती है और उसे अपने गीला और सूखा कूड़े के हिसाब से गाड़ी में डालती है। लेकिन लोग इस गाड़ी के जो किराया है, यानी इसका एक तरफ से पर मंथ आपको 50 से लेकर 100 रुपये देना होता है, ये फिक्स है और ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। इसके बावजूद जो लोग हैं वो नगर निगम की गाड़ी को ना 50 रुपये देना चाहते हैं ना 100 रुपये। वो लोग सिर्फ कूड़े को डेली सुबह या तो अपने घर के आसपास फेंक जाते हैं या फिर कहीं पर भी कूड़े को फेंक देते हैं ताकि उन्हें 100 रुपये या 50 रुपये ना देना पड़े। जी हाँ, यानी 100 रुपये या 50 रुपये बचाने के लिए लोग अपने और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं और गंदे कूड़े को ले जाकर सड़क पर यूँ ही फेंक देते हैं। जी हाँ, नगर निगम इस लोगों की इस जो हरकत है इससे काफ़ी परेशान हो चुका है। नगर निगम ने कई बार लोगों से अपील भी कि कूड़े को जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी आती है उसे ही दिया जाए, उसी को ही इस कूड़े को पूरा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबके बावजूद जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मात्र 50 से लेकर 100 रुपये बचाने के लिए वो लोग कूड़े को कहीं पर भी डंपिंग ग्राउंड बनाकर डाल देते हैं। जी हाँ, इसी को लेकर के हमने जब पड़ताल की तो पाया कि लोगों ने अपने घरों के सामने खंभे पर, सड़क के बीचों बीच चौराहे पर और इसके अलावा पार्कों में या खाली पड़े प्लॉटों में, जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं वहाँ पर कूड़ा डालना लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो डोर टू डोर गाड़ी आती है कूड़ा कलेक्ट करने के लिए उसको नहीं देना चाहते। जी हाँ, ये सबसे बड़ी मैं आपसे कह सकते हो कि लोगों की लापरवाही है और लोगों की ये लोगों की इस पूरी जो हरकत है इसको ही नगर निगम बहुत ही डीपली वॉच कर रहा है, बहुत ही अब इसको लेके कड़े नियम भी बनाने जा रहा है नगर निगम, ताकि लोग के अंदर डर हो और लोग जो ये कूड़ा कलेक्शन गाड़ी है इसी को जो है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के तहत ही कूड़ा दें और इधर उधर ना फेंके, क्योंकि इससे क्या होता है कि बीमारियां फैलती हैं और शहर भी हमारा गंदा होता है। नहीं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग चोरी से यहाँ जबरदस्ती डालते हैं, नहीं देते। हाँ, कूड़ा सड़क पे सड़क पर डाल जाते हैं, इसीलिए गार्ड लगाया गया है। असल में इनको आपत्ति ये होती है कि इधर उधर डाल देते हैं, उनको इजी लगता है और कुछ 100 रुपये देने में ये रहता है कि मतलब के पैसे जा रहे हैं, ये नहीं। हम लोग आते हैं एवरी डे, कूड़ा लेते हैं। और ये बताएं, आप नगर निगम की गाड़ी को पैसा देती हैं? जी, लोगों को भी देना चाहिए कूड़े के पैसे, तो वो आएंगे तो कूड़ा लेके जाएंगे, बाहर डालने से क्या है, ऐसे तो गंदगी फैलती है। हाँ, ऐसा काफ़ी जगह संज्ञान में आया है कि जो कूड़ा जिसपे नगर निगम का ही फर्स्ट राइट है उसके निस्तारण पे और उसको कलेक्शन में, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो हमारे ऑथराइज्ड जो कंपनी है उसको छोड़ के अपने आप लेवल पे करते हैं और उसमें भी जो उसका डिस्पोजल है कहीं भी नालों में डाल देते हैं, खाली प्लॉटों में डाल देते हैं। इसको लेके जो हमारा जो लीगल प्रोसीजर है उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं और इसमें फ़ाइन का प्रोविज़न है और बार बार करने के बाद हम लोग इसमें मुकदमा भी लिखाते हैं और इस पर हम लोग जो है जोन वार जो है रेगुलर इस पर हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तो इस पर आपको दिखेगा आने वाले समय में कि हम लोग अपनी जो सर्विस है उसको भी बेटर करेंगे ताकि जो ये सारी समस्याओं से निस्तारण पा सके। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।